क्वेश्चन है बीएड वर्सेस ईटीटी या डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये डिप्लोमा है, ये बैचलर कोर्स है, नेचुरली ये हायर है, ये लोअर लेवल का है, विच इज बेटर, ये देखना है। सबसे पहले देख लें कि एलिजिबिलिटी दोनों के लिए क्या चाहिए। एलिजिबिलिटी बीएड के लिए ग्रेजुएशन ही है, ग्रेजुएशन और नेचुरली, और ईटीटी के लिए या डीएलएड के लिए 10+2 है। लेकिन पंजाब में ये एलिजिबिलिटी कौन डिसाइड करता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और अब पंजाब में भी ईटीटी के लिए ग्रेजुएशन क्लास की हुई होनी चाहिए, ये डिफरेंस है। अब डिसीजन लेना और डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद दोनों कोर्स की ऑप्शन है। दूसरा, क्लास टीचिंग सिंपल है कि बीएड करके आप कौन सी क्लास को टीच करोगे। बीएड करके आप, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन है पीजीटी टीचर कहलाओगे। आप 11वीं और 12वीं कक्षा को टीच कर सकते हो। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, तो आप टीच करोगे 6th से लेके 10th तक। डीएलएड या ईटीटी है अगर आपके पास, तो आप टीच करोगे अप टू 5th क्लास तक। तो ये था डिफरेंस। ये भी डिफरेंस है कि ईटीटी वालों को एक क्लास ही मिलती है जब वो स्कूल में ज्वाइन जॉब कर लेते हैं, बीएड वालों को एक क्लास नहीं मिलती, उन्होंने डिफरेंट क्लासेस को वही वाला सब्जेक्ट पढ़ाना होता है जो वो जिसके लिए एलिजिबल हुए हैं। पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स एंड गवर्नमेंट जॉब क्वांटिटी, नंबर ऑफ जॉब, ये अब देख लेना है कि पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स, बीएड में पेडागोजिकल सब्जेक्ट की वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगी, वो मैं डिटेल में अभी आपको दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ जॉब्स किस किस की निकलती हैं वो भी दिखा देता हूँ। पिछले सालों में पंजाब में कौन कौन सी जॉब निकली है। एक और डिफरेंस यहाँ पर है, क्लास एक ही मिलती है जो ईटीटी प्राइमरी टीचर लगते हैं। जो सेकेंडरी टीचर मास्टर कैडर वाले हैं उनको एक से अधिक क्लासेस मिलती हैं टीच करने के लिए। उन्होंने एक क्लास को ही सभी सब्जेक्ट टीच करने होते हैं ईटीटी वालों ने, प्राइमरी वालों ने। लेकिन जो बीएड वाले हैं, मास्टर कैडर वाले हैं, उन्होंने अपना ही सब्जेक्ट डिफरेंट क्लासेस 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ऐसे ही उनको टीच करने होते हैं। पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स एंड गवर्नमेंट जॉब क्वांटिटी, जो पीछे जॉब पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स पहले देख लें कि कौन कौन से हैं पेडागोजिकल सब्जेक्ट, जैसे किन की पोस्ट निकलेगी किन की नहीं निकलेगी, ये एक बार। फॉर एग्जांपल टीचिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ये पीजीटी की निकलेंगी, कॉमर्स की पीजीटी की निकलेंगी, कंप्यूटर साइंस की टीजीटी की भी निकलेंगी। इनकी पोस्ट बहुत कम है, इनका स्कोप बहुत ज़्यादा कम है। टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पीजीटी, टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी जब है पीजीटी होगा, टीचिंग ऑफ होम साइंस टीजीटी, टीचिंग ऑफ म्यूजिक टीजीटी, टीचिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस पीजीटी, टीचिंग ऑफ इंग्लिश टीजीटी, टीचिंग ऑफ हिंदी टीजीटी, मास्टर कैडर बोलता हूँ, टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस पीजीटी, टीचिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन पीजीटी, टीचिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीजीटी, टीचिंग ऑफ साइंस मास्टर कैडर टीजीटी, टीचिंग ऑफ सोशियोलॉजी पीजीटी, और टीचिंग ऑफ फाइन आर्ट्स, ये टीजीटी भी निकलती है, दोनों ही शायद निकलती हैं। जो पोस्ट मैंने मास्टर कैडर बोला है, अगर उसकी आपकी मास्टर डिग्री है तो वो पीजीटी भी बनेगी, जो पीजीटी है वो मास्टर कैडर नहीं बनेगी, ये सब्जेक्ट ऐसे बता रहा हूँ। अच्छा, टीचिंग ऑफ हिस्ट्री पीजीटी लिख देना चाहिए था वैसे ना। मैथमेटिक्स की, ये आप अगर नहीं पता चला मुझे बता देना, मैं दोबारा से इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। मैथमेटिक्स की मास्टर कैडर की भी बनती है, पीजीटी की भी बनती है। फिजिकल साइंस की पीजीटी, पंजाबी की टीजीटी मास्टर कैडर और दोनों। सोशल स्टडी की टीजीटी, मतलब दोनों। और क्या है, ये मेन है, बाकी कॉम्बिनेशन जो बनते हैं। अच्छा, इनमें से ये पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, यहाँ मैथ साइंस फिजिकल एजुकेशन कंप्यूटर मैथ्स लैंग्वेज ये आपकी बनती हैं, लाइफ साइंस ये हो चुका है, और पोस्ट आपकी कौन सी बनेगी, कंप्यूटर साइंस की कम पोस्ट निकलती हैं, अब एलिजिबिलिटी बीएड हो गई है इसकी भी, मैथ हो गया, एसएसटी लैंग्वेज इकोनॉमिक्स ये सारे हो चुके हैं मेरे ख्याल में। इनमें अब ये जो ऑड कॉम्बिनेशन है उसकी बात करेंगे आगे चल के, लेकिन पोस्ट कितनी निकली हैं वो आप देख लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में
जो है मैथ्स की 2022 में पोस्ट निकली हैं, 902, साइंस की 859, हिंदी 240, पंजाबी 534, सोशल साइंस 633 और इंग्लिश 790। और नेक्स्ट चलो भैया, अच्छा म्यूज़िक की 25, फिजिकल एजुकेशन की 168 और पीजीटी की भी है, अलग से किसी और वीडियो में दिखा दूंगा। तो ये हो गई ये कितनी पोस्ट निकलती हैं दूसरी तरफ, क्योंकि ये पोस्ट पे डिवीज़न हो जाती है। दूसरी तरफ हमारे पास पोस्ट हैं, वो आगे चल के दिखाता हूँ जो ईटीटी की कितनी पोस्ट निकल चुकी हैं पिछले 2-3 सालों में। तो ये रही सब्जेक्ट की जॉब, पेडागोजिकल सब्जेक्ट आपका कौन सा है। तो अगर आपने ये डिसीजन लेना है कि आपका आपने ईटीटी करनी है या बीएड करनी है, तो मैंने ये फैक्टर क्यों बनाया है कि ये डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट भी क्या है। कुछ सब्जेक्ट कॉमन है जैसे पंजाबी, इंग्लिश, सोशल साइंस, इसकी पोस्ट ज़्यादा होती है, ठीक। एग्री जो म्यूज़िक है, फिजिकल एजुकेशन है, कॉमर्स लेक्चरर है, चलो उनकी तो भी बात ही नहीं कर रहे, मास्टर कैडर कर रहे, उनकी जो पोस्ट है कईयों की कम निकलती है। मैं कम ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैंने तो पिछली दिखा दी है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो है मास्टर कैडर में ये डिवीज़न होगी ही होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑड स्कूल सब्जेक्ट लाइक कॉमर्स, इंजीनियरिंग, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर हैं, यहाँ पर दिखाए हैं मैंने, है ना, तो उनकी पोस्ट लगभग निकलती नहीं है, वेट ही करनी पड़ती है। कॉमर्स है, इंजीनियरिंग हो गई है, संस्कृत है ना। मैं बताता हूँ किन किन की कब पोस्ट निकलती है। आ जाओ भैया, कहाँ चले गए, हाँ एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं, कॉमर्स बहुत ज़्यादा, लगभग नहीं, कंप्यूटर की अभी तक नहीं, और ये जो है इकोनॉमिक्स लगभग नहीं, बहुत कम होंगी, बहुत कम पीजीटी की, ज्योग्राफी की बहुत कम, होम साइंस की कम, म्यूज़िक की कम, पॉलिटिकल साइंस की कम, ये पीजीटी बन रही है ना। संस्कृत की तो पंजाब में तो नहीं, दूसरी जगह निकलेगी, है ना। टीचिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन ऑफर्ड, ओके, साइंस की बहुत निकलती हैं, सोशियोलॉजी की कम, पब्लिक एड की कम, फिजिकल एजुकेशन की कम, लाइफ साइंस की कम, हिंदी की ज़्यादा निकलती, इंग्लिश की ज़्यादा निकलती, ये कॉमन सब्जेक्ट हैं, है ना। इधर आ गया आपका फाइन आर्ट्स कम, हिस्ट्री कम, मैथ्स की ज़्यादा निकलती हैं, फिजिकल साइंस की, पंजाबी की ज़्यादा निकलती हैं, सोशल स्टडी की ज़्यादा निकलती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, उसके मुताबिक आपकी प्रेफरेंस ईटीटी या उसकी तरफ शिफ्ट हो सकती है। लेकिन और फैक्टर भी हैं जो इम्पॉर्टेंट हो गए, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट लाइक सोशल साइंस एंड साइंस, तो ये डिमांड करते हैं कि अगर आपका साइंस है तो साइंस कैटर की पोस्ट ज़्यादा निकलती हैं। तो एनसीटी या पंजाब गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स क्या हैं कि आपने दो साइंसेस जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री या बायोलॉजी, जो भी स्कूल सब्जेक्ट है, जहाँ लिस्ट लंबी दी गई है, उनमें से दो सब्जेक्ट मिनिमम पढ़े हुए होने चाहिए। क्या आपने दो वो पढ़ लिए हैं, तभी आप पढ़े हैं तो बीएड की तरफ जा सकते हैं, अगर नहीं पढ़े तो एडिशनल देना पड़ेगा, ये विचार करने के लिए है। दूसरा कि सोशल साइंस की, ये सोशल साइंस की 13 साइंसेज है, 13 एनसीटी ने दी है, 7 जो है पंजाब गवर्नमेंट ने दी है, उनमें से मिनिमम 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए, 2 में से मिनिमम आपने एक स्कूल सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, इनमें से एक पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये कंडीशन अगर आपकी फिल होती है तो आप इस तरफ जा सकते हो, बीएड की तरफ आपका एलिजिबिलिटी है। ईटीटी की के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि उसने कॉमन सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। सब्जेक्ट डिवीज़न वर्सेज कॉमन सब्जेक्ट, ये बात हो चुकी है, ऊपर करके आए हैं कि जो पोस्ट होंगी वो बीएड की डिवाइड हो जाती है, जो पीछे डिवीज़न दिखा के आया हूँ कि बीएड में हर सब्जेक्ट की डिफरेंट पोस्ट निकलनी है। ये सब्जेक्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे है। ईटीटी की सभी पोस्ट कॉमन निकलनी है। फॉर एग्जांपल इतनी पोस्ट मेरे ख्याल में निकली थी 99 इसको बोलते हैं 2022 में, आगे चल के दिखा देता हूँ कितनी निकली है, कितना ने अप्लाई किया वो सब कुछ बताता हूँ। तो ये डिवीज़न है। बीएड कॉरेस्पॉन्डेंस एलिजिबिलिटी, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ईटीटी की हुई है, एनसीटी के नॉर्म्स क्या हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस अगर बीएड करनी है तो आपका लोअर प्रोफेशनल डिग्री ईटीटी मिनिमम या डीएलएड, है ना, जिसको बोलते हैं, वो किया हुआ होना चाहिए। कम से कम 2 ईयर का रेगुलर जो है
आपका टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, उसकी रजिस्टर आपका एविडेंस चाहते हैं कि आप टीच कर रहे हो, तो इट मींस अगर ईटीटी की हुई है तो कॉरेस्पॉन्डेंस बीएड कर सकते हो, अगर ईटीटी नहीं की तो कॉरेस्पॉन्डेंस बीएड भी नहीं कर सकते, ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट है मेरिट क्राइटेरिया ऑफ बीएड, एंड जब जॉब के लिए आप अपीयर होते हो सिलेक्शन टेस्ट तो होना ही होना है, और क्या क्राइटेरिया बनते हैं बीएड के लिए। 2015 और 22 में है ये पोस्ट निकली, तो एक बार पीएस टेट के मार्क्स ऐड हुए हैं, और सिलेक्शन टेस्ट के सबसे ज्यादा जोर सिलेक्शन टेस्ट पर आपने देना है। लेकिन क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने पीएस टेट या टीईटी के सेट के मार्क्स इंक्लूड करने के लिए कहा है, दैट इज वाई सबसे ज्यादा जोर आपका पढ़ने के लिए इसमें लगना चाहिए, इन पर इनमें से मार्क्स ज्यादा लेने में लगना चाहिए। बीएड का क्राइटेरिया ये दो बनते हैं, लेकिन ईटीटी का पंजाब में क्या था कि सिलेक्शन टेस्ट है नंबर एक, सिलेक्शन टेस्ट ओके, दूसरा हो गया आपका ग्रेजुएशन की वेटेज जैसे होती है, फर्स्ट डिवीजन के 5 मार्क्स ऐसे होती है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, सेकंड के 3 और ऐसे का, ये वेटेज ग्रेजुएशन को मिलती है। लेकिन बीएड में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन को आपको कोई हायर एजुकेशन की कोई वेटेज नहीं दी जाती, यहाँ पर मिलती है। पर अब पंजाब में ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी बन गई है ईटीटी की, दैट इज वाई ग्रेजुएशन के मार्क्स अब काउंट नहीं होंगे। सिलेक्शन टेस्ट और पीएस टेट के ही जैसे अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन्फ्लुएंस करती है तो इन दोनों के ही जो जहाँ सी टेट के या टीईटी के किसी भी स्टेट में आप हो ना, तो ये आपका जो बेसिक क्राइटेरिया ये बनेगा सिलेक्शन का। मतलब मोटा कंपैरिजन ये है कि चेंज ऐसे आ रहे हैं सिलेक्शन टेस्ट और टेट, इसी पर जोर होना चाहिए। आगे पॉलिसी चेंज स्टेट वाइज क्या होती है उसका अभी स्टेट वाइज कंपैरिजन करना होगा। ओके, मार्क्स इन ग्रेजुएशन बीएड में नहीं काउंट होते, ईटीटी में अब काउंट पंजाब में नहीं होंगे, वैसे दूसरी स्टेट में हो सकते हैं। सेंटर वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा आप किस पोस्ट के लिए जाना चाहते हो, अगर सेंटर के लिए जैसे केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय इनके लिए जाना चाहते हो तो नेचुरली बीएड की तरफ आपको जाना चाहिए, और उसके लिए आपको जैसे अगर सोशल साइंस है तो वो क्राइटेरिया और बढ़ जाते हैं, 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में चाहिए नॉर्मली यहाँ, और साइंस या सोशल साइंस की 2 जो है रिजिडली वो पढ़ी हुई होनी चाहिए, सोशल साइंस में हिस्ट्री या ज्योग्राफी 1 मिनिमम पढ़ी हुई होनी चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया अगर आपके फुलफिल होते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इनको बीएड की तरफ चले जाना चाहिए। अगर आप स्टेट में ही रहने चाहते हो फिर आपके लिए ज़्यादा ऑप्शन ईटीटी और बीएड इक्वली रह जाती है, कि बाकी के फैक्टर जो ऊपर और नीचे डिस्कस करके आए हैं उनमें से देखना पड़ेगा, है ना। तो स्टेट में थोड़ा सा जो मैंने इंटरव्यू लिया है कुछ एक टीचर्स जो जिनसे मैंने डाटा कलेक्ट किया है वो आपको बता दूंगा, लेकिन वो कितना जनरलाइज किया जा सकता है नहीं किया जा सकता ये बात डिफरेंट है। अच्छा, दोनों के साल 2-2 साल लग रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, फीस का ज़्यादा फर्क नहीं है, ईटीटी की थोड़ी सी कम कह सकते हैं, क्योंकि बीएड के 2 तरह के कॉलेज हैं। एक कॉलेज तो वो हैं जिनकी फिक्स क्राइटेरिया अच्छे कॉलेज हैं, जैसे 1 लाख कुछ कोई 10,000 तक भी ले रहा है, 6,000 1,06,000 2 साल की फीस, है ना, 90,000 तक के ले रहे हैं। कई बारगेनिंग वाले कॉलेज हैं जिनकी 100 से 100 से ज़्यादा सीट्स हैं, कई तो एजेंट्स को बेच देते हैं सीट्स कि हमारी सीट आप 70,000 में ले लो, जितनी मर्जी भर लो, बाकी के पैसे आप रख लो। तो कैंडिडेट को कितनी पड़ती है, बीएड की कहाँ एरिया में है, ये उस पर डिपेंड है, है ना। तो कॉलेज की स्टेटस, मार्क्स, लर्निंग, ये सारे फैक्टर होते हैं, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट। तो 1,90,000 के करीब तो बीएड पड़ जाती है ये कहा जा सकता है, है ना। तो जॉब स्कोप दोनों का वो आगे चल के करते हैं, जैसे यूनिवर्सलाइजेशन टीईटी की बात करने लगे हैं आप, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ये गोल है पहले, ये क्योंकि आरटीई एक्ट 21A में ये हो गया है कि आरटीई एक्ट बन गया है, सभी बच्चे 3.22 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल
चिल्ड्रन जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है, 2 करोड़ तक इन्होंने 2030 तक इन्होंने लाने हैं स्कूल में, तो इसके लिए ईटीटी प्रेफरेंस बन रही है। पंजाब में 2021 में ये डाटा है 6635 इतनी पोस्ट निकली हैं ये, और इसके बाद जो फिल भी हो चुकी हैं ये, और ये हुई हैं 2022 में पोस्ट कितनी निकली हैं 5994 इसको बोलते हैं, ये इतनी निकली हैं। और इनके लिए अप्लाई कितने जनों ने किया है, ईटीटी वालों ने 19,000 ने अप्लाई किया है। इस 19,000 में ये बीएड वाले भी शामिल हैं। इनमें से जब ये निकल गए तो ये बाकी के बचे लगभग 6,000 इसमें से निकल गए, 19,000 में से ये 13,000 में अगर 4,000 मान लीजिए बीएड वाले हैं तो बाकी 9,000 के करीब बचे, 9,000 के वो जिनका पीएसटेट और ईटीटी है, मतलब एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब है, ये कंपटीशन है। तो इसकी पोस्ट ज़्यादा हैं, 9,000 मतलब 9,000 इसका कोई सब्जेक्ट की डिवीज़न नहीं है। पंजाब में ईटीटी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट लगभग 9, 10, 11 लगा सकते हैं इस साल अगर हो जाते हैं, है ना, इसके करीब हैं। पीएसटेट अगर क्लियर और का हो गया है, इस बार आसान था, मान लीजिए 3-4 हज़ार और का हो गया, इसके इससे अंदाज़ा कुछ आप लगा सकते हैं। बीएड में जो है सब्जेक्ट वाइज डाटा देना बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, दैट इज़ वाई मैंने एक का दिया है, मेरे पास वो पीडीएफ फाइल भी पड़ी है, अगर आप चाहोगे तो मैं सब्जेक्ट वाइज कितनों ने पिछली बार अपीयर हुए थे ऐसा कुछ पूछते हो तो मैं बता देता हूँ। मास्टर कैडर के लिए पंजाबी के लिए 12,000 के करीब मेरे पास है, वैसे पड़ा यहाँ पर दिखा दूँ आपको, नहीं तो 12,000 के करीब है, एग्जैक्ट देखना है। अच्छा ये है कि पंजाबी के लिए कितने जनों ने किया, तो इसके जो मार्क्स हैं आपके कितने मिलने हैं, सिलेक्शन के लिए कितनी तैयारी करनी है वो बाद में बात करते हैं। ये लास्ट में मैं चला गया और यहाँ पर आया 16,040 पर्सन ने अप्लाई किया था, इट मींस पंजाबी के लिए पंजाब में 16,040 ने अप्लाई किया था, इतने जनों का पंजाबी वालों का पीएसटेट क्लियर है और एलिजिबल हैं। दूसरी बात कि बीएड वाले तो पंजाबी वाले मेरे ख्याल में 50, 60, 70 हज़ार लाख 1 लाख से भी अधिक होंगे, इसका मतलब है कि पीएसटेट नहीं क्लियर होता, पहली ये है कि आपने पीएसटेट क्लियर करना है। नेक्स्ट वापस चलते हैं वहीं पर, यहाँ पर तो ये हो गया, तो अगर सभी सब्जेक्ट के लगाएं तो एलिजिबल जो होंगे अगर इसके 16,000 निकले हैं तो मेरे ख्याल बाकी सब्जेक्ट्स के डाल के दो दो सब्जेक्ट के लिए भी एक जना अप्लाई कर सकता है, 50,000 के करीब मेरे ख्याल में एलिजिबल होंगे अभी तक बीएड के। न्यू रिक्रूटमेंट उनकी बात बाद में करते हैं। स्टेटस बीएड वालों का, मास्टर कैडर वालों का वो ऊपर वाला समझा जाता है, वैसे तो नहीं है लेकिन पंजाब में ही ऐसा होता है। दूसरा है ईटीटी वाले थोड़ा अपने आप को वो समझते हैं जहाँ लोग उनको ऐसे देखते हैं, तो ये आपकी बात है। वर्कलोड बीएड का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये इसको जनरलाइज मत कीजिए। ये जो मैंने उनसे बात की है जिन्होंने अभी सिलेक्शन ईटीटी में हुई थी, मेरे पीएचडी के ही स्टूडेंट्स हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ, उनसे मैंने पूछा तो वो ईटीटी में सिलेक्शन हुई है, उस बाद में उन्होंने बीएड मास्टर कैडर में ज्वाइन किया है, तो दोनों का डिफरेंस उन्हें लगा है, तो उन्होंने जैसे 2-4 महीने ही काम किया है तो उनको जनरलाइज पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, इंडिकेशन जरूर मिल सकती है। सिलेबस लेस होता है जो मास्टर कैडर सॉरी ईटीटी का प्राइमरी क्लास का है, क्योंकि एक ही क्लास को आपने पढ़ाना है, ये डिफरेंस उन्होंने बताए हैं। सैलरी का डिफरेंस है, स्टार्टिंग बिना काट के ईटीटी की सैलरी है 29,200 ओके, और 35,400 ये है बीएड की, विदाउट कुछ कटना नहीं है, फुल सैलरी इतनी है, काट के 3-3, 4-4 हज़ार कम हो जाता है। फैसिलिटीज ईटीटी को मोर है क्योंकि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन जो है ज़्यादा जोर उन पर रहता है, गवर्नमेंट का सेंटर का भी, छुट्टियां थोड़ी सी ज़्यादा, कोई भी आपदा आ जाए कि जैसे अब पानी आ गया, फ्लड आ गया, पहले प्राइमरी को छुट्टियाँ होगी ओके। प्रोजेक्ट जो हैं, प्रोजेक्ट वर्क ज़्यादा किन टीचर को करना पड़ता है, इन्वॉल्व किन को करते हैं, हायर वालों को करते हैं, बीएड वालों को, मास्टर कैडर को। स्टूडेंट्स लेस इन प्राइमरी, ये टेंडेंसी उन्होंने बताई है कि प्राइमरी तक बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लिया जाता है,
इस इट मींस प्राइमरी में जो है स्ट्रेंथ कम होती है, बच्चे कम होते हैं। सिक्स्थ से गवर्नमेंट क्योंकि स्कूलों की दशा सुधरने लगी है, दैट इज़ वाई यहाँ पर शिफ्ट होके प्राइवेट से गवर्नमेंट में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये एक डिफरेंस उन्होंने बताया। अच्छा, सिलेक्शन टेस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों के लिए। नॉलेज, आपका नॉलेज एरिया कौन सा है? सिलेक्शन टेस्ट आप किस में ज़्यादा, ईटीटी वाले में ज़्यादा जोर लगा सकते हो जिसमें सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं थोड़े थोड़े, है ना, मैथ्स थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ये जो है एनवायरनमेंट है, सोशल साइंस है, लैंग्वेजेस हैं। लेकिन सिलेक्शन टेस्ट बीएड के लिए अगर आपका एक एरिया में, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप पंजाबी के मास्टर ज़्यादा आपको लगता है ना, दूसरा जान लगता है, आप एसएसटी में बहुत ज़्यादा कंपीट करते हो, नॉलेज ज़्यादा है, तो आपको बीएड की तरफ जाना चाहिए क्योंकि आप कंपीट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं सभी सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा कर सकता हूँ तो आपको ईटीटी की तरफ जाना चाहिए। नॉलेज अगर स्पेशलाइजेशन ज़्यादा है तो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, इवन पीजीटी की तरफ जाना चाहिए बीएड करके। अगर नॉलेज आपकी वीक है स्पेशलाइज किसी खास एरिया में तो है ना आपको ईटीटी की तरफ जाना चाहिए। इंटरेस्ट आपका किस में है, हायर में, लोअर में, सब्जेक्ट में है किसी में, अगर किसी विशेष सब्जेक्ट में है फिर आपको बीएड की तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज ईटीटी की तरफ। अच्छा, फ्यूचर गोल क्या है हायर एजुकेशन का, हायर प्रोफेशन का, क्या आप जाना चाहते हो कि टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए लेक्चरर बनना चाहते हो, कॉलेज में यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हो, ये आपका डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंस हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल में अब आपको डिसाइड करना है कि अगर और कोई क्वेश्चन या फैक्टर है आपने पूछना, मैं कंपैरिजन कर दूंगा। लेकिन अभी तक ये सुनने में आ रहा है कि ये जो पोस्ट हैं लगभग कितनी काफ़ी पोस्ट निकल चुकी हैं और फिल हो चुकी हैं ईटीटी की, तो अब क्या कोई अंदाज़ा नहीं है कि ईटीटी की ज़्यादा निकलेंगी या उसकी। लेकिन जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे, दो टीचर्स ने से डाटा जो मैंने लिया था, उन्होंने कहा था कि ईटीटी की पोस्ट ज़्यादा निकलेंगी, इसको जनरलाइज नहीं करना, इसको वेरीफाई करके ही मानना है। तो ये फैक्टर से थे। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो और इसका कंपेरिजन करके अपनी पर्सनल सिचुएशन और नॉलेज, अपना नॉलेज एरिया अगर बेटर है तो बीएड के लिए जाओ, अगर नॉलेज एरिया पुअर है, इंटरेस्ट नहीं है, नॉर्मल है तो ईटीटी के लिए जाओ। बाकी फैक्टर भी आपने देखने हैं, खुद कंपेरिजन करना है। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।